मध्य प्रदेश के दतिया स्थित विश्व प्रसिद्ध देवी तांत्रिक शक्तिपीठ मां पीताम्बरा मंदिर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे, जहां उन्होंने देवी मां पीताम्बरा के दर्शन करे और दर्शन के बाद बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि का होवे वारी 155 कन्याएं के विवाह उत्सव को सवई खान न्योतो दो और न्योते के बाद कार्यक्रमन की जानकारी भी दी। इसके बाद उन्हें अयोध्या में श्री राम लला मंदिर खले के अपनी खुशी को इजहार करो अपनी खुशी जाहिर करी और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का लेके भी अपनो बड़ो बयान दो है। हिंदू सनातन धर्म का लेके उन्हें बहुत बड़ो बयान दो का उन्हें कही है, जो आप सब जने सुन लो। माँ पीताम्बरा मैया भगवती मैया के दर्शन किए, जय माई की चिंता पर खाई की। 1 मार्च से 8 मार्च तक पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर होने वाली 5वां बुंदेलखंड आए, जिसमें 8 मार्च महाशिवरात्रि को 155 बेटियों का विवाह है, 108 कुंडी यज्ञ है, पूरे भारत के महापुरुष आ रहे हैं, वह यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जावे एवं भारत के प्रत्येक मठ मंदिरों से गरीब बेटियों की एवं गुरुकुलम की पद्धति प्रारंभ हो, इस संकल्प के लिए इस आयोजन को करवाया जा रहा। इसलिए हम आज दतिया पीताम्बरा माई के दर्शन करने आए, खूब आनंद के साथ दर्शन भए, पूरा समाज है हमारे झंडा दर्शन करवाए, आप सबको खूब राम मंदिर बना है क्या कहना, बहुत जल्दी कृष्ण लला भी आने वाले हैं, भारत में राम राज्य की प्रारंभ है, राम युग प्रारंभ हो गया, राम राज्य की ओर भारत अग्रसर है, भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है, बहुत जल्दी अब कृष्ण राज भी आने वाला है। हिंदू सनातन के लिए कोई संदेश? हिंदू सनातन के लिए यही है, हम सब हिंदू एक रहेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत सनातन धर्म के ऊपर सनातन वो अपने बाप। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग, बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।